welcome back to my channel. I hope you are doing well. So in today's video I'm going to share you this Christmas and evening party new year makeup look और उसके साथ साथ मैं आपको पूरा full look भी create करने वाली हूँ, head to toe, outfit, jewelry, everything मैं आपको सब कुछ इस video में दिखाने वाली हूँ. And ये इस makeup look create करने में मैंने बिल्कुल भी efforts नहीं लगते, बहुत ही easy create हो जाएगा and winters के लिए एकदम perfect है, glowy dewy makeup look है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. सो गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने से. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्वालॉजिका का ये लिप बाम है. ये ट्रांसपेरेंट लिप बाम है बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब मन करता है मैं इसको खा जाऊँ. सेंटा फ्रूट च्यूइंग गम आपने खाया होगा ना, सेम वही फ्लेवर है. तो लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना ताकि आप जब लिपस्टिक लगाओ तो आपके लिप्स चैब ना लगे, वो फटे फटे से ना दिखे लिप्स. देन मैंने यूज़ किया ये पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर. ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस है एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड इस तरह के जो भी सिलिकॉन बेस आप प्राइमर यूज़ करते हो ना, उसको सिर्फ ऊपर ऊपर ही मत लगा दिया करो, उसको लगा के थोड़ा सा स्किन में प्रेस कर दिया करो ताकि वो आपकी पोर्स को अच्छे से फिल कर दे. अच्छा, मैंने प्राइमर तो यूज़ कर लिया बट मैं अगेन प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. एंड ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर एंड ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसको यूज़ किए हुए. एंड ये भी एक प्राइमर है बट ये आपकी पोर्स को फिल नहीं करता बट आपके स्किन पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ही आता है. और विंटर्स का टाइम चल रहा है तो स्किन पे तो ग्लो चाहिए ही चाहिए, तो इसको मैंने अच्छे से अपने स्किन पे फोरहेड वगैरह पे अच्छे से अप्लाई कर लिया और इसको मैंने ब्लेंड कर दिया. मतलब स्किन पे इतना अच्छा ये ग्लो प्रोवाइड करेगा कि मतलब पता भी नहीं चलता कि आपने स्किन पे कुछ अप्लाई किया है और आपकी स्किन ग्लो करती है. और उसके बाद से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ये प्रो कंसीलर पैलेट मैंने यूज़ किया है. थोड़ा सा अंडर आई एरिया एक पसंद मुझे थोड़ा थोड़ा डार्क लग रहा था, तो अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो वरना आप मत यूज़ करना. तो इसको मैंने बस ऑरेंज कलर थोड़ा सा लेके अपने अंडर आई एरिया पे हल्का हल्का फिंगर्स की हेल्प से मैंने बस ब्लेंड कर लिया उसको ताकि वो चीज़ जो है वो कैंसिल आउट हो जाए. देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिटमे का फाउंडेशन इन द शेड 120 एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है. ये आपको मीडियम कवरेज देता है एंड काफ़ी अच्छा. मैंने सिर्फ एक ड्रॉप ही यूज़ किया, ज़्यादा फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करती. एंड इससे भी अच्छा मैं आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ जो कि फाउंडेशन मुझे अच्छा लगता है, वो है मेबेलिन फिटमे का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन. आपको अगर फुल कवरेज वाला फाउंडेशन चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. मीडियम कवरेज के लिए ये वाला फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो मैंने इसको अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया है एंड मैंने स्विस ब्यूटी का ये ब्रश यूज़ किया है. देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर. ये स्विस ब्यूटी का मैंने कंसीलर यूज़ किया था और इसमें जो मेरा शेड है 02 इसमें मेरा शेड है. इसको मैं लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ इनसाइड का ये जो कंसीलर पैलेट था उसकी हेल्प से. और यहाँ पर मैं फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ. और कंसीलर को मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है. इस तरह से अगर आपने ट्राई नहीं किया ना, ट्राई करके देखना, ये काम करता है ये वाला हैक. और उसके बाद से मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कॉन्टोर को मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ. बहुत ही लाइट मैंने कॉन्टोरिंग की है एंड इसके बाद से मैं एक बार और कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ जो कि मैं पाउडर कॉन्टोर यूज़ करूँगी. मुझे लग रहा है ना, मतलब मेरा जो फेस है थोड़ा सा चब्बी लग रहा है मुझे. एंड जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था पहले मैं उसको फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद से मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी. और मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है अभी मैंने इसको जस्ट अभी नया ही मैंने इसको ख़रीदा था, सिर्फ मैंने एक से दो बार इसको यूज़ किया होगा और चूहे ने इसका जो सत्यानाश किया, मतलब इतनी बुरी तरह से इसने मेरे ब्यूटी ब्लेंडर को काटा है ना, बट कोई नहीं. तो मैंने इसको काट के और भी छोटा कर दिया. तो ये मेरे अंडर आई एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा काम देने वाला है. मुझे छोटा ब्यूटी ब्लेंडर बाय भी करना था तो ये उसका काम देने वाला है. देन मैं आप यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये है लूज पाउडर. इससे मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करने वाली हूँ ताकि जो कंसीलर हमने अप्लाई किया है वो क्रीज ना पड़े. एंड गाइज, एक चीज़ और, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने पूछा है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन किस किस को मिल रही है. तो 30% लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन ही नहीं जा रही है मेरी वीडियोज़ की. जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बेल दिखेगा, तो आप उस पर प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे ना तो आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जाएंगे. तो प्लीज़ उसको ऑन कर लेना. एंड देन मैं यहाँ पे आईब्रोज को अपने कर रही हूँ एंड उसके लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज़ किया है. एंड इसकी हालत देख के तो आपको समझ में आ गया होगा ये कितना पुराना है, मतलब मैंने इसको जब से लिया तब से मैं सिर्फ इसी को यूज़ करती हूँ. एंड अब हम करते हैं अपने आई मेकअप. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हिलेरी रोडा का आई शैडो पैलेट एंड इसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें सारे न्यूट्रल कलर्स हैं. तो मैंने इस पैलेट में से वॉर्म ब्राउन कलर लेके सबसे पहले मैंने आउटर वी पे अप्लाई किया है एंड मैं साथ ही साथ लोअर लैश लाइन पे भी मैंने अप्लाई किया है.
और जो भी ब्रश पे बचा हुआ प्रोडक्ट था उसको मैंने पूरे अपर लिड पे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है। देन मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया हुआ है एंड सेम पैलेट में से मैंने ब्रॉन्जी गोल्ड कलर लेके हाफ आई लिड पे सॉफ्ट कट क्रीज क्रिएट किया है। एंड ये वाला आई लुक बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको क्रिएट करने में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगते, बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाता है। एंड मैंने सेम पैलेट में से ब्लैक कलर लेके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा मैंने विंग निकाला भी, आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक पतली सी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे मस्करा यूज़ कर लेता लॉरियल पेरिस का वॉल्यूमिनस पैराडाइज मस्करा। अगर आप एक अच्छा मस्करा ढूंढ रहे हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड वाटरप्रूफ है, काफ़ी टाइम तक स्टे करता है। एंड उसके बाद से मैंने ये वाला ग्लू यूज़ किया था अपने आईलैश को चिपकाने के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं एक अच्छा सा ग्लू बताओ तो आप इसको ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेजर्ट का आई शैडो पैलेट एंड इसमें से मैं ग्रीन ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ लोअर लेस लाइन पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लिटर ग्लू यूज़ कर लिया है एंड उसके बाद से मैंने ग्लिटर को यूज़ किया तो काफ़ी अच्छे से वो स्टिक हो जाता है। तो मैंने सिर्फ लोअर लेस लाइन पे ही यूज़ किया था, मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही थी बट वो एक्सपेरिमेंट काम कर गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। तो कभी कभी आपको एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए, अगर वो काम कर गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का ये अल्ट्रा कम्प्लीट फेस पैलेट। तो इसमें से मैं सबसे पहले ब्रॉन्जर लेके अपने फेस को अच्छे से मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा फेस पतला लगे एंड चबी ना दिखे। देन मैंने यहाँ पे लोअर लैश लाइन में मस्करा यूज़ किया, वैसे तो मेरी लैसेस है नहीं बट फिर भी मैंने मस्करा को यूज़ कर लिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद से मैंने ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ किया मेबलिन का इन द शेड 05 मोल्टेन गोल्ड। तो मैंने इससे आईज़ के इनर कॉर्नर को अच्छे से मैंने हाईलाइट कर दिया, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स कुछ नहीं है। देन मैंने सेम पर्पल का वो फेस पैलेट यूज़ किया, उसमें से मैंने ब्लश को लेके अपने चीक बोन्स के ऊपर अप्लाई कर लिया। एंड ब्लश के लिए मैं बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये रोजी ब्लश है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, पीची टोन में है, तो इस मेकअप लुक के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं डार्क अप्लाई करती पिंक ऑरेंज तो वो इस लुक के साथ बिल्कुल भी नहीं जाता। एंड लास्ट हम चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक के लिए मैंने सबसे पहले ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया है एंड इसमें जो मेरा शेड है चेरी ब्राउन 06 बहुत ही ज़्यादा डार्क था एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही थी बट ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया, बट फिर भी मैंने आपको बोला था ना हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड देन मैंने लिपस्टिक के लिए ये अप्लाई किया था 02 ब्लडी हेल इनसाइड का लिपस्टिक है ये एंड इसका नाम काफ़ी अजीब है, तो इसको मैंने अप्लाई किया था बट इस लुक के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। सो लिपस्टिक को मैंने लास्ट में चेंज कर दिया एंड दिस इज़ माय आउटफिट। ओ माय गॉड गाइस, ये एकदम बोल्ड रेड कलर का ये आउटफिट है, बहुत ही प्यारा आउटफिट है, एकदम इसको पहनने के बाद से एकदम हॉट लगता है। एंड ये जो आउटफिट है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए इस वीडियो में सारे के सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के हैं। एंड अभी मैंने लिपस्टिक भी चेंज कर दिया एंड मैंने आउटफिट को वेयर कर लिया है, बहुत ही प्यारा आउटफिट है ये। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एंड लिपस्टिक में जो मेरा शेड है वो है रेज ऑफ रेड, स्टे विथ मी रहने की लिपस्टिक के, बहुत ही प्यारी शेड है एकदम रेड कलर में। एंड उसके बाद से मैं अपने बालों के लिए थोड़ा सा कर्ल्स कर रही थी तो मैंने यहाँ पे हेवल्स का ये कर्लर यूज़ किया, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड मुझे हेयर स्टाइल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आज मैंने कर्ल्स करने का सोचा था एंड कर्ल्स इसके ऊपर काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। बहुत टाइम के बाद से आज मैंने अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल्स किया था क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। एंड ये जो पूरा लुक है ना, आप इसको इवनिंग पार्टी हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर है, आप इसको कभी भी मतलब इस लुक को इस ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। एंड कर्ल्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आए थे। एंड इस हेयर स्टाइल को करने के बाद से मतलब इस लुक में आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरे लुक को ही चेंज करके रख दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड फर्स्ट टाइम है जो कि मुझसे इतने अच्छे कर्ल्स हुए, नहीं तो मुझसे बिल्कुल भी कर्ल्स होते ही नहीं है, मतलब मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बट आज पता नहीं कैसे हो गए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सो ईयरिंग्स के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का ईयरिंग मैंने वेयर कर लिया जो कि मेरे आई लुक के साथ जा रहा था क्योंकि सब कुछ रेड रेड हो गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया तो अच्छा भी लग रहा था इस लुक के साथ। एंड फुल लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने इस ड्रेस के साथ एक गोल्डन कलर का बेल्ट मैंने वेयर किया हुआ है एंड इस तरह की बेल्ट्स जो होती है ना वो हर एक आउटफिट के साथ इजीली वो चली जाती है। एंड इस ड्रेस का जो मुझे स्लीव था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था
एंड देन मैंने एक ब्लैक कलर का स्लिंग बैग कैरी कर लिया है। अगेन वो ब्लैक एंड गोल्डन में था तो वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। एंड मैंने गले में एक बहुत ही पतली सी गोल्डन कलर की मैंने चैन वेयर कर ली है। एंड हील्स के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट वाले ब्लॉक हील्स वेयर किया जो कि मैंने आपको लास्ट अमेजोन हॉल में दिखाया भी था, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल। सो इस ड्रेस को मैंने कुछ इस तरह से स्टाइल किया हुआ, इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा मिलेगा एंड बैक आपको पूरा फुल लेंथ प्लेन मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है ये पहनने पे, एंड इसको आप न्यू ईयर की इवनिंग पार्टी हो, क्रिसमस हो, बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग हो, आप इसको कभी भी इजीली कैरी कर सकते हो इस मेकअप लुक के साथ। एंड इस वीडियो में मैंने जितने प्रोडक्ट्स यूज़ किए सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन के हैं, तो कुछ भी पसंद आता है तो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एंड आई होप आप लोग के लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।